भीम, जय भीम, जय भीम, जय अम्बेडकर, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय पेरियार, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सरकार जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, सरकार जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, सरकार जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, लाठी लेकर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कलम लेकर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, संविधान लेके हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सबका जमीन जिंदा है ऐसे मैं समझ सकता हूँ, तो आप कुछ सबके लिए जो बात जोड़ना डालिए। और सर ने एक बात बहुत अच्छी की है, झोपलेला व्यक्तीला उठू शकतो पण झोपेचा सोंग केलेला व्यक्तीला उठू शकत नाही, कधीच उठू शकत नाही। और आंबेडकर नाम में क्या ताकत है सर ने बताया ना, जो घर में बैठ के नहीं रस्ते में उतरना पड़ता है, आंबेडकर नाम जो यूज करता है ना तो रस्ते में उतरना पड़ता है। तो मित्रांनो या ठिकाणी म्हणजे मी जेव्हा चळवळीत काम करणं सुरू केलं तेव्हापासून एक ताई मी त्या मोर्चामध्ये नाळेत आणि बघितलं तिला, खूप छोटी होती 2014 या संविधान चौकात, आणि ती या आंदोलनात आली आहे। तर मी दीपाली म्हैसकरला विनंती करतो की त्या ठिकाणी येऊन, कारण की त्यावेळेस तिने 2014 खूप छोटी होती ताई, त्यावेळेस तिने ते आंदोलन नाळे देऊन चौक गाजवला होता, हा चौक गाजवत होती, त्या ताईला मी आमंत्रित करतो। दीपाली म्हैसकर, खरं तर मला नाराव्यातूनच शिकवलेलं आहे, मी 2014 किंवा त्याच्यानंतर 3 जानेवारीचा बंद झाला होता त्यावेळेस सुरुवात केली होती, तर मी आता काही बोलणार नाही या सरकारवर, मी फक्त नारे देईल तुम्ही मला सपोर्ट करा। चार लाइन बोलूंगा अब तक, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये कितनी बड़ी शोकांति का है कि यहाँ पे हमारे सरकारी कर्मचारी यहाँ पे ड्यूटी पे होने के बाद गिनती पे गिनने लायक यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं। अभी सिद्धार्थ सर यहाँ पे कहते हैं वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बैंक मैनेजर है, वो नहीं डरते, हम भी नहीं डरते। जो जितने भी आपके आम अपने गलियों में जाके देखिए वहां पे, उनसे पूछिए सरकारी आपके गलियों में होंगे उनसे पूछिए कि आप सरकारी नौकरियों पे लगे हैं तो आप यहाँ पे क्यों नहीं है, उनसे सवाल करिए। उनका हो गया, हमारा क्या। मैं जहाँ काम करता हूँ मुंबई में वहां पे 90% लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हैं, उनको 25,000 तक सैलरी देते हैं, ऐसा कागजों में दिखाई देता है कि 25,000 तक आपको सैलरी देंगी। हेलो, ऐसा 25,000 तक सैलरी देंगी ये ऐसा कागजों में लिखा जाता है, लेकिन असल में उनका बैंक पासबुक और ATM कॉन्ट्रैक्टर जमा करता है और उनको UPI के जरिए सिर्फ 10,000 देता है। सोचिए मुंबई जैसे शहर में सिर्फ 10,000 में गुजारा करना पड़ता है। और कल परसों की बात है, आप लोगों ने अग्निवीर का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, कुछ अभी 6-8 महीने पहले आया था, कल परसों की बात है। अमृतपाल सिंह नाम का एक 19 साल का लड़का, वो शहीद हो गया, ना उसे पेंशन है, ना उसके माँ बाप को या घर वालों को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, कुछ नहीं है। सोचिए अग्निवीर का ये हाल है, हमारा क्या होगा। और अभी हाल ही में भुसावल से तहसीलदार की एक कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी आई है, वो इतनी बड़ी पोस्ट है, आप कल्पना करी है, इतनी बड़ी पोस्ट को हम सरकारी में थैरेट में मूंगफली के जैसा बेच रही है। अरे जब मूंगफली बेचने वाले का लड़का तहसीलदार कैसे बनेगा, जब सरकार मूंगफली बेचते मूंगफली की तरह जब तहसीलदार के पोस्ट खैरात में बांटेंगे तो मूंगफली वाला लड़का
मूंगफली बेचने वाले का लड़का तहसीलदार कैसे बनेगा, ठीक है। जय भीम। रेलवे जयभीम बोलना, किस किस को यहाँ पे मेरा नौकर किस किस को बनना है? हमको नहीं बनना है। कोई तैयार है यहाँ पे मेरा नौकर बनने के लिए? नहीं। तो प्राइवेटाइजेशन मेरे भाइयों यही है। प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? तुम सरकार के लिए काम कर रहे हो मगर मेरा नौकर बन के काम करने वाले, तो कौन कौन तैयार है यहाँ पे मेरा नौकर बनने के लिए? कोई तैयार है मेरा नौकर बनने के लिए? आईपीएस पीएसआई कलेक्टर बनने के लिए कौन कौन तैयार है? थोड़ा जोर से कहो, कौन कौन तैयार है? भाई अगर मेरे भाई वही समझो, आज तहसीलदार प्राइवेट बनेगा, अगर कल मैं एक बड़ा नेता बन रहा हूँ और वो आईपीएस मेरे विचारधारा से चलने वाला होगा, ना तो संविधान के विचारधारा से, तो यहाँ से देश में क्रांति आ सकती है या क्या गुलामगिरी आ सकती है? इस किस को लगता है कि प्राइवेटाइजेशन गुलामगिरी का यूटर्न है? किस किस को लगता है प्राइवेटाइजेशन गुलामगिरी का यूटर्न है? कैसे है ये तुम जानो, क्योंकि हर बार अगर तुम्हें पड़ोसी हुई थाली मिलेंगी ना, तो तुम्हें मुफ्त की खाने की आदत लगेगी। कमा कर, मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, नाम की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें भारत जैसे, अगर तुम्हें भारत जैसे देश में, तुम्हें भारत जैसे देश में अगर स्वतंत्रता से जीना है ना, तो मेरे भैया तुम्हें स्वतंत्रता क्या होती है ये पढ़ना पड़ेगा। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम लोगों के लिए सबसे बड़ा वरदान दिया है, वो स्वतंत्रता। जैसे सिद्धार्थ राउत सर ने बताया है कि तुमच्या मताची किंमत फक्त तिकट मिटा एवढी नाही, तर तुमच्या मताची किंमत आहे हा देशातील सरकार बनवण्याची, आणि ती सरकार जी ह्या देशाच्या संविधानावर चालते। आणि यांच्या आज तो चिरतात। प्रायव्हेटायझेशन म्हणजे काय होतात? प्रायव्हेटायझेशन म्हणजे संविधानाला पोकळी करण्याचा यंत्रणा आहे। प्रायव्हेटायझेशन म्हणजे संविधानाला पोकळी करण्याचा यंत्रणा आहे। प्रायव्हेटायझेशन हा तुम्हाला गुलामगिरीकडे नेण्याचा युटन आहे। आता जसं सनातनी सांगितलं तुम्हाला, होत काय असतो प्रायव्हेटायझेशन मध्ये? प्रायव्हेटायझेशन मध्ये सरकार ठेकेदाराला पैसा देतो, ठेकेदार हा त्याच्याकडे काम करणाऱ्या व्यक्तीला पैसा देतो आणि हे घडत असते। सरकारचे जर मेगस 777 रुपये एका दिवसाची रोजी असेल, तर ती ठेकेदारापासून लेबर पर्यंत येईपर्यंत फक्त 350 रुपये रोजी होतो आणि दिवस रात्र कष्ट करतो, तर कोण तो आमच्या सर्वसामान्य व्यक्ती? आज आज सरकार काय म्हणून गव्हर्नमेंट शाळा बंद करत आहे? गव्हर्नमेंट शाळेमध्ये विद्यार्थी नाही आहे, तर हा फ्रीविलर कोणाचा आहे? प्रायव्हेट शाळेत विद्यार्थी जात आहेत आणि गव्हर्नमेंट शाळेत विद्यार्थी येत नाही, तर हा फ्रीविलर कोणाचा? हा सामान्य जनतेचा की सत्तेत बसणारा त्या गव्हर्नमेंटचा फ्रीविलर आहे? हा सत्तेत बसणाऱ्या गव्हर्नमेंटचा फ्रीविलर आहे। हा तुमच्या आमच्या फ्रीविलर नाही आहेत, पण ते याचे खापरा आमच्या डोक्यावरती फोडतात की हे लोक आपल्या मुलांना शासकीय शाळेत शिकवत नाही। सरांनी सांगितलं, आज माझ्या पण गावात एक शासकीय शाळा होती साहेब, त्या शासकीय शाळेमध्ये 11वी 12वी असताना मुली असताना शौचालयाची व्यवस्था नाही, कसे काय आपले आई वडील आपल्या मुलांना असं शाळेत पाठवतील? आज प्रायव्हेट शाळेच्या बाथरूम मध्ये तुम्ही झोपू शकता, हा अंतर। आणि फक्त शिक्षण म्हणजे यांनी फक्त आम्हाला शिक्षण काय दिलं? काहीच नाही दिलं। आज प्रायव्हेट स्कूलमध्ये स्विमिंग पूल, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड हे सगळं आहेत, आणि गव्हर्नमेंट